Rector, Rajiv Gandhi University, Brigadier B.D. Mishra. यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मैं उसका वीसी हूँ। आज का हमारा कन्वोकेशन जो था ये 20वां कन्वोकेशन था, 20th, और हमारी उम्र अगर आप 1984 से उम्र देखें यूनिवर्सिटी की तो 35 वर्ष से ज़्यादा की हो गई, और हम लोगों ने अब तक इसको मिला के 20 कर लिए हैं। इसका मतलब है कि 15 कन्वोकेशन हम नहीं कर पाए, यानी आरजीयू नहीं कर पाया। मैंने अपने पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में ये 5वां कन्वोकेशन किया है। कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि कन्वोकेशन एक हमारे यूनिवर्सिटी की यात्रा में, जीवन में एक कंपल्सरी पहलू है, एक कंपल्सरी स्टेज है जिसको करना चाहिए। ये एक रिचुअल सा प्रोग्राम होता है जिसमें साल भर जो बच्चे अपनी डिग्री पूरी करते हैं, इस जैसे अभी हमने 21-22, तो ये जो बच्चों ने डिग्री पूरी की है इस वर्ष, यानी कि वो कुछ बच्चे 3 साल में डिग्री पूरी किए होंगे, अगर पास कोर्स है तो 2 साल में किए होंगे, जिनका 5 वर्षों का प्रोग्राम है तो उन्होंने 5 वर्षों में किया होगा। लेकिन इस साल हमारे 6300 से ज़्यादा बच्चों ने डिग्री प्राप्त की है, जिसमें अगर मुख्य रूप से बोला जाए तो 52 हमारे एमफिल के बच्चे हैं और 63 पीएचडी के बच्चे हैं। और अगर मैं पीएचडी की बात करूंगा तो आपको अब मेरे उस काम की तारीफ करनी होगी जिसके लिए मैंने नियम बनाए थे कि हर साल हम 100 बच्चों से ज़्यादा एडमिशन लेते हैं पीएचडी में। तो मेरा ये मानना है कि हर साल 100 बच्चों को पीएचडी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वर्ष हम लोगों ने 6000 जो 300 मैंने आपको आंकड़ा बताया, इसमें सारे बच्चे शामिल हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल एंड पीएचडी। और ये इसमें हमारे आज के जो हमारे यूनिवर्सिटी के चीफ रेक्टर हैं ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो प्रेसाइड कर रहे थे सर, ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्र, और हमारे जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि। नियम के हिसाब से जो हमारा ऑर्डिनेंस कहता है कन्वोकेशन का, वो ये कहता है कि जो हमारे प्रोग्राम का चीफ गेस्ट होगा वही कन्वोकेशन स्पीच भी देगा। तो हमारे चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी, जो पूर्व में कुलपति रह चुके हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस है, दुनिया का 3rd नंबर का कैंपस है और NIRF रैंकिंग में वो नंबर 3 पे आता है, उसके वो कुलपति रह चुके हैं, और IIT कानपुर, ITBHU, इन इंस्टीट्यूशन के वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रह चुके हैं, और उनके पास बहुत सारे अवार्ड मेडल्स हैं, उनके पब्लिकेशंस को लोग ध्यान से पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। तो सर ने अपनी बातों में आज ये बात कही जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो देश जो सिर्फ लेने में विश्वास करता हो, ये माना जाता है कि भारतवर्ष ड्यूटी पे विश्वास करता है, अधिकारों के लिए सजग है भारतवर्ष, लेकिन अपनी ड्यूटी के लिए जाना जाता है, और हम अपने विद्यार्थियों को ड्यूटी के लिए सजग होने के लिए प्रेरित करते हैं। और यह भी सर ने ये कहा कि जो व्यक्ति किसी भी सिस्टम से, चाहे वो आपके घर का सिस्टम हो या स्टेट का हो, राज्य का हो, राष्ट्र का हो, जो व्यक्ति ज्यादा लेता है और कम देता है, तो वो घर, वो राज्य और वो राष्ट्र सफर करता है, मुश्किल में आता है। लेकिन अगर वहां के रहने वाले लोग कम लेते हैं और ज्यादा देते हैं, यानी कि प्लाउ बैक करें, आपने घर में भी देखा होगा कि जो व्यक्ति मेहनत करता है और वो अपने ऊपर कम खर्च करता है और परिवार पे ज्यादा खर्च करता है, तो परिवार खुशहाली भी जीता है। तो ये एक बात सर ने मुद्दे की कही, और राष्ट्र कैसा हो इसके बारे में उन्होंने एक चर्चा की कि क्या आप ऐसा राष्ट्र चाहते हैं कि जो डरे, वहां पे रहने वाले लोग डरे, भूखे रहें, या ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां शांति हो, जहां पे खुशहाली हो।
जहां के लोग आनंदित रहें। तो अगर ऐसा करना पड़ेगा तो हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने महसूस किया होगा कि अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर ने स्टूडेंट्स को कहानियों के माध्यम से अपनी अपनी उन्होंने जो उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी उसमें उन्होंने सर ने डिसिप्लिन की बात करी, टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर को कितना सजग रहना चाहिए, कितना डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बहुत सारी बातों से विद्यार्थियों को का ध्यान आकर्षित किया। और जीवन में अच्छा हासिल करने के लिए क्या क्या करें इसके बारे में बहुत सारी स्टेप्स बताए सर ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम सभी को सीखने को मिलता है। विद्यार्थी जहां अपनी डिग्री पाता है, अपने परिवार का, अपने शुभचिंतकों का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करता है, साथ ही टीचर्स को भी एक सूचना मिलती है कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को दे सके, जिससे जब विद्यार्थी इन शिक्षा का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करे तो कितनी सरलता से मंजिल हासिल कर सके, इसकी चर्चा की। तो आज के इस कार्यक्रम में ये मुख्य बातें रही। और आपने देखा होगा कि पूरा पूरा हॉल गुंजायमान था, गुंजित था, और यूनिवर्सिटी में एक उत्सव का माहौल था और हम लोगों ने बिल्डिंग्स से लेके सभी स्ट्रक्चर पे काम किया है। और आप जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों में, जैसे इस वर्ष की बात करें तो पर्स का प्रोजेक्ट हमारे पास आया 10 करोड़ का, जिसमें हमारे हाई एंड इक्विपमेंट जो आपको सबसे नजदीक में गुवाहाटी में मिलेंगे उन इक्विपमेंट्स को भी हम ले पाएंगे। हमारे यहाँ विद्यार्थियों का एक्सपेरिमेंट में रिसर्च में मन लगेगा। इसी तरीके से हमने बताया कि हमारे यहाँ की एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो नई ज्वाइन की है वो जापान में है, जीपीएस फेलोशिप पे है, उनको मैडम क्यूरी फेलोशिप भी मिली। तो ऐसे करके हम लोगों ने इंडिजिनस फेथ के लिए, लैंग्वेजेस, इंडिजिनस लैंग्वेजेस के लिए सरकार ने ढेर सारी मदद की। और मैंने बताया कि मुझे लगता है कि वैसे सितंबर में पूरा हो जाना चाहिए था वाटर प्रोजेक्ट, लेकिन वो 7 दिसंबर में हमको मिल जाएगा तो पानी की सुविधा हो जाएगी। हमारी फैकल्टी ढेर सारी खुल गई है और हमने नए स्थानों में 2019 मेरे आने के बाद मैंने ये टेंडर किया है और ई टेंडर किया। मैंने लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो हमने टेंडर किया है ई टेंडर के माध्यम से वो सारे के सारे अरुणाचल के लोगों को ही मिले हैं। और आप जाके देख सकते हैं कि लेबर भरे बाहर का हो सकता है, उसमें मेरा कोई जोर नहीं है, लेकिन कंपनियां सारी अरुणाचल की। तो इस तरीके से हम 650 बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा कर रहे हैं और 36 के आसपास हम टीचर्स और नॉन टीचर्स के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे क्लासरूम्स बढ़िया बन रहे हैं, हमारे ज्यादातर क्लासरूम 24 के आसपास क्लासरूम मॉडर्नाइज हो चुके हैं, यानी कि हम ऑनलाइन लेक्चर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं, लाइब्रेरी की सुविधा इतनी बढ़ गई है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ई रिसोर्सेज है वो ई रिसोर्सेज सभी बच्चों को अवेलेबल हो जाए। अभी वो हमारे आरजीयू के बच्चों को मिलता है, हमारे कॉलेज के बच्चों को नहीं मिलता है। और मैं ये मानने वाला व्यक्ति हूं कि वन नेशन वन पॉलिसी, तो अगर वन नेशन यानी कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो कॉलेज के सारे बच्चों को मिले। हमारे कॉलेज में 25,000 बच्चे पढ़ते हैं अगर आप देखें तो इन 25,000 बच्चों को ये सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। और उसके लिए कॉलेज या हमारा विभाग चाहे तो बच्चों से टोकन रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे 10-15 पैसा एक महीने में ले ले, 10-15 पैसा लेने में तो ऐसा जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए, हालांकि इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये राज्य भी हमारे सहयोग में आया है, हमें 2 नई बसों मिलने वाली हैं, हमें एक बुद्धिस्ट स्टडी के लिए सेंटर मिला है, 5 करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया है, हमें हाई मास्ट 2 टावर मिल चुके हैं। आपने देखा होगा ये जो रोस्ट्रम है ये हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर ने सुझाया और ऑनरेबल सीएम सर ने इसके लिए पैसे दिए। अभी हम लोगों ने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर खोला हुआ है, 3 कैंपस हमें मिल गए हैं जिसमें हमारा राज्य सरकार ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और दिल्ली में इसकी प्रक्रिया विचाराधीन है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी सूचनाएं मैं इसलिए दे रहा था कि लोगों को ये मालूम चले कि यूनिवर्सिटी उनकी अपनी है और यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा हमारा अपना बच्चा है, जिसे हम आगे अगर बढ़ा पाते हैं तो राज्य विकास करेगा, ये मेरा मानना है।